नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी से दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी। नेशनल हेराल्ड केस में नए सबूतों के साथ ईडी कर रही है सवाल, तो विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, कई नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार। योगी सरकार ने तबादला नीति को दी मंजूरी। योगी कैबिनेट ने लगाई ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर। 15 से 30 जून तक हो सकेंगे कर्मचारियों के तबादले। 40,000 नई भर्तियां करने का ऐलान। कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। सीएम योगी ने किया शुभारंभ, वीसी के जरिए हुए शामिल। रायबरेली में सामूहिक आत्महत्या का मामला आया सामने। दो बेटियों के साथ मां ने फांसी लगाकर दी जान। डलमऊ क्षेत्र के बिचलामऊ गांव का है मामला, हत्या है आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने से दो बदमाश घायल। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से मोबाइल और 80,000 रुपए किए बरामद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। बैठक में पुलिस के 40,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इस अवसर पर कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति सहित विभिन्न विभागों के करीब 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी का वर्चुअली शुभारंभ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया, साथ ही सीएम योगी ने कार्यक्रम को वर्चुअली तौर पर संबोधित भी किया। रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन और किसानों से सीधे क्रय करने की व्यवस्था आज राज्य में उपलब्ध है, लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश में वैज्ञानिक पद्धति से खेती को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि के विविधीकरण की तरफ कृषि विभाग ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसको उपकार जैसी संस्थाओं के माध्यम से नई तकनीक, नए बीज, 4 कृषि विश्वविद्यालयों और 90 कृषि विज्ञान केंद्रों ने उन कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचा करके अपने एक प्रगतिशील किसानों के माध्यम से प्रदेश के अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। प्रदेश में इस दौरान हम लोगों ने विगत 5 वर्षों के अंदर 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। दशकों से लंबित उन सिंचाई की परियोजनाओं को, चाहे वे बाण सागर की परियोजना हो, अर्जुन सहायक की परियोजना हो या फिर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना,
इन सभी को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। 2017 के पहले प्रदेश का चीनी उद्योग पूरी तरह बंदी की ओर अग्रसर था, लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर बंद पड़ी चीनी मिलों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी प्रदेश ने 120 चीनी मिलों का संचालन करके विगत 5 वर्ष में 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान भी अन्नदाता किसानों को उनके खाते में करने में सफलता भी प्राप्त की। आज हम सबके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वह कम लागत से एक विश्व मुक्त खेती हम कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने यूनियन बजट में इस बात का प्रावधान किया और वह विकल्प है गौ आधारित प्राकृतिक खेती का। गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से 2020 में कहा था कि क्या गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में हम लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, औद्यानिक फसलों को और सब्जी उत्पादन को क्या हम इस रूप में आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। उस समय हम लोगों ने गंगा यात्रा निकाली थी और गंगा यात्रा ने अनेक स्थानों पर गंगा नर्सरी की स्थापना में, गंगा उपवन की स्थापना में, गंगा पार्क की स्थापना में, गंगा उद्यान स्थापित करने में और भी अन्य अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और यूनियन बजट में इस बात का प्रावधान भी है कि मां गंगा के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसे प्रोत्साहन देगी, और इस कार्यक्रम को जहां हमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है वहीं प्रदेश के अंदर राज्य सरकार ने अपने स्तर पर बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के लिए चयन का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनाया है। प्राकृतिक खेती कम लागत में अच्छा उत्पादन और विष मुक्त खेती को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, और इस महत्वपूर्ण माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों का आह्वान करूंगा कि वे सभी इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो न केवल अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी बल्कि तमाम प्रकार के रोगों से मुक्ति का भी एक माध्यम हम दे पाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।